और 11 अक्टूबर को देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाया जा रहा है। देश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ बेटियों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। सरकार द्वारा बेटियों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनकी वजह से आज देश में महिलाओं के लिए समानता और समरसता के अवसर बढ़े हैं। 2022 तक एक नए भारत के निर्माण में लड़कियों के आर्थिक विकास और सशक्तिकरण करने के मसले पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की इंडियाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर के MD राकेश कुमार शर्मा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक एक नए भारत के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। PM मोदी के इस विजन में देश की महिलाएं और बेटियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2022 तक नए भारत के विजन में बेटियों की स्थिति किस तरह होगी, उनका विकास कैसे होगा, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया आई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर के MD राकेश कुमार शर्मा। आइए जानते हैं राकेश जी से किस तरह बेटियों का कल्याण और विकास हम कर सकते हैं 2022 के न्यू इंडिया विजन में। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन लिया है उसमें किस तरह देखते हैं बेटियों का विकास? 2011-19 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक निर्णय लिया कि हर वर्ष 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाए। 21 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने पानीपत से देश का आह्वान दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो संयुक्त संघ और भारत के प्रधानमंत्री का यह आह्वान ये दर्शाता है कि बेटियों की दशा विश्व में भी और देश में भी ठीक नहीं है। अब उन कारणों को देखने की आवश्यकता है जिन कारणों से ये आह्वान किए गए या जिन कारणों से इनको एग्जीक्यूट करने का संकल्प लिया जा रहा है। सबसे पहला एक संकल्प हमें लेना पड़ेगा, लड़के लड़की का भेद बिल्कुल समाप्त करना पड़ेगा। आज वो कुछ भी कार्य विश्व में नहीं है, देश में नहीं है, जो कि एक लड़की नहीं कर सकती और एक लड़का कर सकता है। बेटियों को समानता समरसता और सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार मिले, इसके लिए समाज की किस तरह की जिम्मेदारी है? समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी। समाज के अंदर समरसता तो तब होगी जब बेटियां उसके बराबर होंगी। सरकार तो सिर्फ एक नारा दे सकती है, हमें सबको मिलके करना है, समाज को करना है, जिससे कि वह मुक्त वातावरण के अंदर अपने आप को डेवलप कर सकें, नर्चर कर सकें, ग्रो कर सकें, इवॉल्व कर सकें और देश के लिए विश्व के लिए समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकें। जैसे केंद्र प्रेरित योजनाएं आज कितनी मददगार साबित होती है बेटियों को पढ़ाने में, उनका एम्पावरमेंट करने में, उनको सशक्त और मजबूत करने में और भविष्य की नींव उनकी सुदृढ़ करने में? देखिए, सुंदर है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, लेकिन ये बहुत टेम्प्रेरी है। हमें इसकी आवश्यकता ही क्यों करनी पड़नी पड़ती है कि सुकन्या दे योजना करें या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दें? ये तो स्वतः ही हमारे अंदर आना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत के अंदर लोगों में ये सोच बदले। मैं ये चाहता हूँ 2022 तक जो समग्र भारत का निर्माण की संकल्प हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है उसमें ये भी शामिल हो कि 2022 तक बिल्कुल कन्या भ्रूण हत्या देश में समाप्त हो जानी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सारे काम जो एक लड़के को आप सुविधाएं दे रहे हैं वो लड़कियों को मिलनी चाहिए। सरकार के अंदर भी हम कहते हैं 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्यों नहीं सारा 100% रिजर्वेशन जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से उसको मिले। यदि वो क्षमताशील है महिला तो महिला को मिले, पुरुष है तो पुरुष को मिले। कोई ये भेदभाव, लिंग का भेदभाव समाप्त हो जाना चाहिए। बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास कितना जरूरी है PM मोदी के न्यू इंडिया विजन में? बहुत आवश्यक है उनके आत्मविश्वास के लिए। कौशल विकास, आत्मविश्वास, भावनात्मक रूप से, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली उनको स्ट्रांग बनाने के बिना ये कुछ संकल्प जो भी हम ले रहे हैं आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के ऊपर कुछ भी संभव नहीं होगा। इसको समाज को, परिवार को और सरकार को मिलकर इकट्ठे काम करना है जिससे कि हम समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। तो ये थे इंडिया आई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर के MD राकेश कुमार शर्मा, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया विजन में महिलाओं और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, उनको सामाजिक समरसता बनाने के लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा, बल्कि कौशल विकास कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ OP यादव, DD News, दिल्ली।